माझे मोगड़ गोईकरानो, मेरा नाम नीता पाटिल है और मैं अहमदाबाद सिविल डिफेंस में कार्यरत हूँ। हम आज आपको सिविल डिफेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। सिविल डिफेंस राष्ट्र की सुरक्षा का एक स्वैच्छिक संगठन है। यह संकट के दौरान नागरिक आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह संगठन आम आदमी की सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य निष्काम और निस्वार्थ सेवा है। संकट के दौरान आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में यह अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युद्ध सीमाओं के साथ साथ नागरिक आबादी पर भी अपना घातक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में देश की आंतरिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो और नागरिकों का मनोबल बना रहे, इसलिए 1962 में चीनी आक्रमण के बाद हमारे देश में इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जीवन की रक्षा, उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखना, संपत्ति की हानि को कम करना और नागरिकों का मनोबल बनाए रखना है। यह अपने अन्य अभियान जैसे कि रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, पल्स पोलियो अभियान, आगजनी में सहायता, ऐसे कार्य भी करते हैं। यह गंभीर दुर्घटनाएं जैसे कि चक्रवात, बाढ़, भूकंप आदि में भी राहत कार्य में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस संगठन में सदस्यता प्राप्त करने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 15 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और स्त्री या पुरुष कोई भी इसमें अपनी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि चौथी कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हालांकि नियंत्रक द्वारा इसमें भी कुछ छूट दी जा सकती है। शारीरिक या मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति इसमें अपनी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति समाज सेवा निष्काम भाव से करने को इच्छुक है वह इसमें अवैतनिक तौर पर जुड़ सकते हैं। हालांकि इसमें मानदेय यानी कि वेतन देय नहीं होता, फिर भी निष्काम सेवा करने के लिए यह एक अच्छा मंच है। देव बरे गुरु।